सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज परिसर में पर्यावरण धर्म पर आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन विश्व पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म व राखी मूवमेंट के प्रनेता कौशल किशोर जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। मौके पर पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ पर्यावरणविद ने महोगनी और काजू के पौधारोपण कर कॉलेज परिसर में पौधा लगाने के लिए 111 पौधा पर्यावरणविद ने दान में दिया। श्री जायसवाल ने कॉलेज के छात्राओं को पर्यावरण धर्म के संबंध में बताते हुए कहा कि प्रकृति लगातार कोई बड़ी घटना होने का संकेत दे रही है, जिसका दुष्परिणाम भी अब दिखने लगा है। जल स्तर नीचे गिरने से जल संकट के साथ ऑक्सीजन संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं, जिससे धरती के 84 लाख योनि जीव को समाप्त होने का दिन आने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों को अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए और उसे बचाने का भी संकल्प ले। वर्तमान मौसम उसके अनुरूप है। अभी सावन के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाना, पौधारोपण के साथ भाई और वनों पर रक्षाबंधन करना महान कार्य है। पर्यावरणविद कौशल ने कहा कि महिलाएं अपने भाई के रक्षाबंधन के साथ साथ जीवन रूपी वन वृक्ष पर रक्षाबंधन कर मानव बिरादरी और प्रकृति की रक्षा का संकल्प ले, क्योंकि मानव रूपी भाई के रक्षाबंधन से केवल एक व्यक्ति का सुरक्षा होगा, पर जीवन रूपी वन वृक्षों की रक्षाबंधन से धरती के 84 लाख योनि जीवों की सुरक्षा होती है। श्री जायसवाल ने कहा कि उनके द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण सह रोपण के 53वां वर्ष और पर्यावरण धर्म व वन राखी मूवमेंट के 43वां वर्ष पूरा होने पर इस वर्ष नेपाल भूटान समेत देश के 10 राज्यों में निःशुल्क पौधा वितरण सह रोपण के साथ पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी के आयोजन एवं वनों पर रक्षाबंधन अभियान चलाया जा रहा है। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर से 1 जुलाई को यह शुरू किया गया है, जो कई राज्यों तक पहुंच गया है। वन राखी मूवमेंट के प्रनेता कौशल किशोर जायसवाल ने कहा कि प्रकृति से केवल लेने की प्रवृत्ति को छोड़ उसे देने की भी संस्कृति अपनाना होगा, क्योंकि भूखी हुई प्रकृति को पौधा रूपी भोजन नहीं मिला तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण धर्म के स्लोगन सोचो साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे, साथ पीढ़ी तर जाओगे के साथ किया गया। कॉलेज में कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर श्वेता कुमारी ने की एवं संचालन विनय मेहता ने किया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में प्रोफेसर व स्टूडेंट मौजूद थे। करते बारंबार वृक्षों का कार्य सूचित करके निकट से करते हमको प्यार, प्राण वायु इनसे मिल पाई, भोजन जल की है बहुताई, बुद्धि स्वच्छ होकर हर्षाई, मिले प्रभु प्रेम का अद्भुत यह संसार, धन्यवाद है प्रभु तेरा, हम करते बारंबार सहाय हमारी ऐसी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी, जाए छोड़कर भले सभी हम, सदा चले व्यवहार, धन्यवाद है प्रभु तेरा, करते बारंबार।